राजस्थान के कई जिला प्रमुखों के चुनाव नतीजे सामने आ गए हैं। जहां बीजेपी को इस चुनाव में बड़ा झटका मिला, तो वहीं कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। 12 जिला परिषद में बीजेपी के बहुमत होते हुए भी पार्टी के नाम हार दर्ज हुई। बीजेपी के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इन 4 जिलों के सांसद बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से केवल कोटा के सांसद और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के क्षेत्र में बीजेपी अपना प्रमुख उतारने में सफल रही। झालावाड़ 12 से बीजेपी सांसद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, श्रीगंगानगर से बीजेपी सांसद निहाल चंद और करौली से बीजेपी सांसद मनोज रजौरिया, सभी को निराशा हासिल हुई। वहीं बीजेपी को सबसे बड़ा झटका 12 में लगा, जहां जिला परिषद में बहुमत होने के बावजूद राज्य के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी और कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला जैन को जीत नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ श्रीगंगानगर जिला प्रमुख के पद पर बैठे पूर्व मंत्री हीरालाल इंदौरा के बेटे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी कुलदीप इंदौरा को चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। 12 जिले की बात करें तो यहां 4 में से 3 विधायक कांग्रेस से हैं और बीजेपी का 1 विधायक है। यहां सांसद दुष्यंत सिंह प्रभावशाली हैं और उनकी मां वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मगर बीजेपी को यहां भी जीत नसीब नहीं हुई। करौली जिले में कुल 4 विधायकों में से कांग्रेस के 3 और 1 बहुजन समाज पार्टी का विधायक है, लेकिन यहां के सांसद बीजेपी के मनोज रजौरिया जिला परिषद में अपनी पार्टी को जीत नहीं दिलवा पाए। वहीं कोटा जिले से राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के होने के बावजूद कांग्रेस को खाली हाथ लौटना पड़ा और यहां के सांसद ओम बिरला बीजेपी से मुकेश मेघवाल को जिला प्रमुख बनाने में कामयाब हुए।